हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक्नो अपडेट्स अड्डा। दोस्तों, आज आपके लिए मैं धमाकेदार ऐप लेके आया हूँ जिसको आप यूज़ करके कोई भी विक्टिम जिसके ऊपर आपको शक हो, या आप जिसके किसी के भी आप मैसेजेस व्हाट्सएप चैट, या आप वो किससे क्या मैसेज कर रहा है जनरल मैसेज को भी आप देख सकते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा। आपको सिंपल से एक आपको ऐप डाउनलोड करना है, जो कि उसका लिंक आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप उसको देखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की जरूरत। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और जो सीधा हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है फ्लैश की लॉगर प्रो। प्रो दोस्तों, इसमें ये होगा कि आप जो परचेस करोगे कोई भी ये ऐप को, तो वो प्रो कहलाएगा। और जो नॉर्मल है फ्लैश की लॉगर लोगे, उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं बीच बीच में, जिसको आपको यूज़ करने में दिक्कत होगी। तो मैंने ये परचेस किया हुआ है फ्लैश की लॉगर प्रो, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। सिंपली आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। ओपन करने के बाद इस आपको छह आइकॉन दिखेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन इसको एक सा क्या यूज़ कर रहा है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करोगे। उसके बाद आपको अपने कुछ भी पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, 112244, ठीक है। कन्फर्म कर दूंगा 112244। उसके बाद आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करोगे, जिसमें इन व्हाट सिटी यू वेयर बोलिए, तो आपको पता ही होगा। तो मैं इसमें दिल्ली करके डाल देता हूँ ऑप्शन में, सॉरी 112244, गलती से उसमें चला गया था। इन विच सिटी यू वेयर बोर्न, दिल्ली, मैंने दिल्ली डाल दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट पासवर्ड में जाओगे, तो यहाँ से आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फ्लैश की लॉगर प्रो जो ऊपर में आपको आइकॉन दिख रहा है, उसको आपको इनेबल कर देना, ठीक है। इनेबल हो गया, उसके बाद आपको यहाँ से सारे चीज़ को एक्सेस सर्विस करना है। आपको एक्सेसिबिलिटी सर्विस ओपन की है, ठीक है। फ्लैश कीबोर्ड इनेबल करना है आपको, यहाँ से डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड इनेबल करना है, ठीक है। यहाँ पर इनेबल हो गया, उसके बाद इनेबल होने के बाद आप थोड़ा पीछे जाइए, ठीक है। दोबारा एक थोड़ा प्रॉब्लम आता है कभी कभी दोस्तों, ऐप आई को दिक्कत जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट फ्लैश कीबोर्ड इनेबल आप सबसे पहले करिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्लैश की लॉगर प्रो, तो इसको आपको इनेबल करना है। यहाँ से आप इनेबल कर दोगे तो आधा से आपका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आप इनेबल इसको करना है। इनेबल करने के बाद आप बैक आइए, ठीक है। और ये दो बटन जो नीचे हैं, इसको भी आप इनेबल कर दो, ठीक है। इनेबल करने के बाद क्या होगा, आप थोड़ा देखिए, जैसे आप व्हाट्सएप में कुछ टाइप करते हो, है ना, जैसे कि हाय। और ये दोस्तों, ये आपको किस में किसको में इंस्टॉल करना है, जो भी आपका विक्टिम होगा, जिसको भी शक होगा, जिसके मोबाइल से आपको डिटेल्स या डाटा निकालनी है, आप उसके उसके मोबाइल में ही आप ऐप डाउनलोड करोगे। और ऐप को छुपाते कैसा है, जिसको सामने वाले बंदे को पता ना चले, वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले देखते जाइए, मान के चलिए वो बंदा किसी को टाइप कर रहा है, हाय लिख दे रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप में। तो आप अपना ये जब ये ऐप ओपन करोगे, ऐप ओपन करोगे, ठीक है, ऐप ओपन करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे 112244, ठीक है। इनेबल कर दिए, इनेबल करने के बाद यहाँ से कीबोर्ड कर दिए, कीबोर्ड को छोड़ कुछ नहीं करना है, सर्विस भी कर दिए, ठीक है। सर्विस करने के बाद फ्लैश की जो है ऑफ दिख रहा है, इसको आप ऑन कर दो, ठीक है। अलाउ करना है आपको। ऑन करने के बाद यहाँ पे स्विच एक्सेस को भी आपको अलाउ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बस ये इतना आपका काम है दोस्तों, और कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ भी आप टाइप कर रहे हो, हाय जो भी है, तो आपको सीधा का सीधा आपको उसके ऐप में दिख जाएगा। आपको सीधा पीछे जाना है, बैक जाना है, ठीक है। ये देखिए आगे आप ये ऐप ओपन किए, यहाँ पे व्हाट्सअप, जैसे कि मैं किसी को टाइप कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में आपने ये डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। तो मैंने लिखा हाय, ठीक है, जैसा भी है। सेम अगर आप मैसेज करते हो, ठीक है, चाहे आप फेसबुक में मैसेज करो या सिंपल नॉर्मल प्लेन मैसेज करो, प्लेन मैसेज जैसे कि मैं ये कर देता हूँ हाय, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ। तो वो अगर आप जब ऐप ओपन करोगे सिंपली दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐप ओपन किया, बैक गए, देखिए मैसेज में दिख जाएगा, ठीक है। रही बात आपकी, ये आपने तो डाटा निकाल लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये ऐप मेरे में मोबाइल में डाउनलोड है, इसको छुपाओगे कैसे आप, तो उसके पास भी अपना एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। आप चुपचाप से सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद ये जो ऐप आइकॉन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, देखिए ऐप आइकॉन को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कैलेंडर, कैलकुलेटर, स्पीकर। यहाँ कैलेंडर के आइकॉन पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी होगा कि आपको देखो दोस्तों, वो जो ऐप है गायब हो गया, मेरे मोबाइल से गायब हो गया। वो क्या है, वो बन गया कैलकुलेटर। अभी दोस्तों, अब ये मेरे मोबाइल में कैलकुलेटर है, मुझे कभी शक होगा क्या, क्योंकि हार्डली मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं है भैया ये ऐप कैलकुलेटर दिया हुआ इनबिल्ट है। लेकिन जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आपका ऐप ही खुल जाएगा, ठीक है। 1111224, ये देखिए
तो ये इसका यूज़ करना दोस्तों बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। इसको आप चाहे तो आप किसी के मतलब आपको डाउट है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन गलत यूज़ करना भी सही नहीं रहेगा दोस्तों। आपके लिए मैंने ये जानबूझ के ये जो की लॉगर ऐप है मैंने परचेस किया ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। प्लेन वाला परचेस करता तो दोस्तों उसमें समझ नहीं आता, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। अगर दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।